एनसीबी आज नहीं करेगी आर्यन की कस्टडी बढ़ाने की मांग। क्या देर शाम तक मिल जाएगी शाहरुख के बेटे को जमानत? क्या एनसीबी के पास है आर्यन के खिलाफ पुख्ता सबूत? क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं। मुंबई क्रूज रेव पार्टी मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के गिरफ्तार होने के बाद अब सवाल ये है कि क्या एनसीबी के पास ऐसा कोई सबूत है जिससे साबित हो सकता है कि आर्यन के पास ड्रग्स मौजूद थी, क्योंकि रविवार को भी सुनवाई के दौरान आर्यन के वकीलों ने एनसीबी से इस बारे में साक्ष्य की मांग की थी, जिसके बाद आर्यन को आज राहत मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एनसीबी ने रविवार को आर्यन की 2 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 1 ही दिन की दी थी। आज इस मामले में फिर किला कोर्ट में सुनवाई है और माना जा रहा है कि एनसीबी आर्यन की कस्टडी बढ़ाने की मांग नहीं करेगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी ने रविवार को कहा कि वो इस ड्रग मामले में उसकी और हिरासत की मांग नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को जब आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, उसके वकील उसकी जमानत के लिए आवेदन करेंगे। माना जा रहा है कि एनसीबी आर्यन को केस की शुरुआती जांच तक न्यायिक हिरासत में रखने की मांग कर सकती है, हालांकि अदालत इसे मानेगी इस पर काफी संशय है। वहीं दूसरी ओर एनसीबी के जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आरोपियों से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपए की नगद जब्त की है। अब ये देखना होगा कि आर्यन की अदालत में पेश होने के बाद एनसीबी पुख्ता सबूत पेश करेगी या फिर आज शाम तक आर्यन को जमानत मिल जाएगी। इस पर आपको क्या लगता है ये आप हमें जरूर बताइए, नीचे कमेंट्स कीजिए और बॉलीवुड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।